हेलो माय फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं मधुमक्खियों में प्रवास या स्वार्मिंग पर। तो जब रानी या क्वीन बॉक्स को छोड़कर कुछ श्रमिकों के साथ अलग जगह अपना छत्ता बनाने की कोशिश करती है एवं उड़ जाती है, उसे स्वार्म या प्रवास नाम से जाना जाता है। इसमें पुरानी रानी को ऐसा देखा जाता है कि लगभग 60% की संख्या श्रमिकों के साथ नए स्थान पर चला जाना होता है। इस अवस्था में नई रानी का निर्माण श्रमिकों द्वारा पुराने छत्ते में किया जाता है एवं इस हेतु इस पुराने बॉक्स में, जिसमें रानी स्वार्म से पहले 3 या 4 क्वीन कोश बनाकर स्वार्म होती है, को श्रमिकों द्वारा रॉयल जेली खिलाकर नई रानी के रूप में कॉलोनी में ही श्रमिकों द्वारा तैयार किया जाता है। स्वार्म से पहले अधिक संख्या में नर मधुमक्खियों का बनना भी स्वार्म या प्रवास हेतु प्रवृत्ति के रूप में पाया जाता है। बसंत ऋतु परिवार बढ़ाने का अति उत्तम समय होता है, जो एक सहज प्रक्रिया के तहत होता है। शरद ऋतु में भी यह प्रवास की क्रिया हो जाती है, पर यह स्वार्म पुरानी रानी को बदलने हेतु ही होता है। रानी के कोष्ठक में से निकलने के पूर्व ही पुरानी रानी को लेकर नर घर छोड़कर चली जाती है। प्रवास के समय अपने श्रमिकों द्वारा रानी के आदेशानुसार अपने उदर को सहज से पूरी तरह से भर लिया जाता है एवं तब जाकर उन सब का उड़ान होता है। इन परिस्थितियों में यदि रानी को पकड़ लिया जाए या इसके पहले इसके पंख को काट दिया जाए, तो ऐसा देखा जाता है कि मौन वंश जो चला जाता है वह भी अपने छत्ते में वापस आ जाता है। इसका लाभ आज के समय में बी कीपर्स भलीभांति लेते हैं। इनमें स्थानांतरण के जो कारण देखे जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण रूप से उपयुक्त वातावरण या भोजन की प्रचुरता के कारण वंश वृद्धि। दूसरा जो कारण देखा जाता है, मधुमक्खियों को अगर हम ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तब, और जो तीसरा कारण जो भोजन की कमी के समय भी इनका भाग जाना होता है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण का होना भी इनके स्थानांतरण का कारण हो जाता है। इस जो अपना प्रवास या स्वार्मिंग को नियंत्रण के लिए जो प्रक्रियाएं हम अपनाते हैं या बीकीपर्स अपनाते हैं, उनमें मौन वंश को प्रजनन और वंश वृद्धि के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध हो सके और लगातार नए फ्रेम उपलब्ध रहें, तो ये पहला जो प्रक्रिया अपनाया जाता है। दूसरी प्रक्रिया में यदि नर कोश बनने लगें तो उन्हें प्यूपा बनने से पूर्व नष्ट कर देना चाहिए। जो तीसरी प्रक्रिया है उसमें रानी कोश भी अगर बन गए हैं तो उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। चौथी जो प्रक्रिया है उसमें यदि जो प्यूपा अवस्था के शिशुओं का एक फ्रेम निकालकर किसी अन्य मौन वंशों को दे दिया जाए, तो उनके स्थान पर अगर खाली मोमी छत्ताधार लगा हुआ फ्रेम लगा दिया जाए तो ये इनका जो बकछुट की समस्या नहीं आती है। पाँचवीं बात यदि ध्यान दिया जाए, इनके बाद भी अगर मौन वंश में नर व मादा बनने लगें तो अस्थायी रूप से मौन वंश को विभाजित और पुनः कुछ समय बाद इन्हें मिला देना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है रानी के पंख को पहले ही काट दिया जाए, तो ऐसा पाया जाता है कि रानी जाती नहीं है बाहर और जो जो गए भी होते हैं वो वर्कर्स वापस छत्ते में आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।